Welcome to the time machine. It's 1978-79. Carey Packer, the Australian tycoon, has siphoned all the stars into his camp. So we have a team of newbies, led by Kallicharran, visiting India to play a six-match series. The first three matches are drawn. We will hop on the series on the fourth test match, played at Madras, and watch the highlights. The Haryana Hurricane is on an assault. For the West Indies, Sylvester Clark retaliates with fury. The match explodes into a bumper war. Gavaskar, who has been having a great season so far, gets unlucky with his bat in this match. But we can count on Vishwanath to save India with a match-winning performance. चिदंबरम स्टेडियम मद्रास भारत वेस्ट इंडीज के बीच चौथा टेस्ट वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर खेलना शुरू किया कपिल देव की गेंद बेकस को वे बिना किसी रन बनाए आउट वेस्ट इंडीज संकट में वेंकट राघवन ने आउट किया ग्रीनीस को कीपर कालीचरण की बल्लेबाजी ने खेल में रंग जमाया उनका स्कोर हुआ 98 रन जिसमें 16 चौके थे वेंकट राघवन की गेंद पर वे क्लीन बोल्ड वेस्ट इंडीज का स्कोर 228 रन भारत की शुरुआत कमजोर रही गावस्कर 4 रन पर आउट बैंक सरकर भी गए फिलिप ने गायकवाड़ को स्टंप आउट किया अब क्या होगा विश्वनाथ ने अपनी टीम को बचाया उन्होंने शानदार खेल दिखाया फिर भी संघर्ष जारी है एक के बाद एक विकेट गिरता गया कपिल देव क्लार्क के केवल दो गेंद में ही आउट स्कोर 6 विकेट पर 174 रन घावरी डटे रहे किरमानी ने तेजी से 33 रन बनाए विश्वनाथ का शानदार शतक टेस्ट क्रिकेट में सातवां और वेस्ट इंडीज के विरुद्ध तीसरा वे अंत तक खेलकर 124 रन बनाकर आउट हुए भारत पहली पारी 255 रन वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी निराशाजनक रही केवल लॉरी गॉम्स ने आक्रामक खेल खेला उन्होंने 91 रन बनाए कालीचरण का महत्वपूर्ण विकेट फिर एक बार वेंकट ने लिया यजुर्वेंद्र सिंह ने सुंदर कैच किया वेंकट की बॉलिंग होल्डर 0 रन पर वेंकट की गेंदबाजी क्लार्क आगे बढ़े और किरमानी ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया वेस्ट इंडीज दूसरी पारी 151 रन भारत को मैच जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 125 रन क्लार्क फिलिप और होल्डर ने आक्रामक गेंदबाजी से दबाव बनाए रखा 17 रन पर 3 विकेट गिर गए विश्वनाथ ने फिर बाजी संभाली और 31 रन जोड़े होल्डर ने विश्वनाथ को आउट किया अब भारत आवश्यक रन बना सकेगा
घावरी ने 8 रन बनाए, कपिल देव ने 26 रन, किरमानी ने 7 दिया, सिर्फ एक और रन, एक बम्पर और भारत की शानदार विजय।